हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। इसे स्टॉक में देखें तो आज के दिन 10 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 0.05% की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक में टेक्निकल चार्ट पे चले, जिससे कि हमें इस स्टॉक में एक प्राइस एक्शन समझने में मदद मिलेगी। अगर हम इस स्टॉक में पीछे के 1 हफ्ते की बात करें तो अराउंड 5% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है और इस स्टॉक में 1 महीने में अराउंड 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। यानी इस स्टॉक में निचले लेवल पर एक खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। अगर हम लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखें तो उसमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, जहां पर अगर हम 1 साल की बात करें तो अराउंड 14.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको एक स्टॉप लॉस ट्रेड करना चाहिए जो कि अराउंड 208 रुपये। 208 रुपये इस स्टॉक का एक अहम सपोर्ट लेवल बनकर निकलता है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको एक स्टॉप लॉस ट्रेड करना चाहिए जो कि अराउंड 208 रुपये, और यहाँ से इस स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिलता है तो ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 218 रुपये और सेकेंड टारगेट 223 रुपये तक के देखने को मिलेंगे। और अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का आएगा तो आप इस स्टॉक में नीचे का एक बड़ा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 205 रुपये का, और ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 250 रुपये तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। इस स्टॉक में 249 रुपये पर एक बड़ा बॉटम बनता हुआ नजर आएगा, जहां पर इस स्टॉक में एक रुकावट रेंज है। जैसे ही ये स्टॉक इसे ब्रेकआउट देता है तो इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और ये स्टॉक और बड़ी तेजी लगाता हुआ नजर आएगा। पावर सेक्टर में आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है कि जहां पर बजट सत्र को लेकर कहीं ना कहीं आशाएं लगाई जा रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसीज आएगी जहां पर एनर्जी सेक्टर और पावर सेक्टर को एक छूट मिलती हुई नजर आएगी। तो अगर इस स्टॉक में एक पॉजिटिव न्यूज बनकर आती है तो यहाँ पर भी एक आपको तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए, वहां पर आपको ये स्टॉक बड़े टारगेट बनाता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।